So today, guys, we will study about autoimmunity disease and immunity tolerance. So first of all, we will see the meaning of immunity tolerance. After that, we will see what is autoimmunity and related of autoimmunity, its generate autoimmunity disease. After that, we will see the explanatory way of autoimmunity disease. तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्यून टॉलरेंस किसे कहते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना आता है कि ये हमारा इट्स ओन एंटीजन और इट्स आउटर एंटीजन। तो हमारा इम्यून सिस्टम ओनली किल्स आउटर एंटीजन, नॉट सेल्फ एंटीजन, यानी कि खुद के एंटीजन को किल नहीं करता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन करना उसे आता है और इसे ही बोलते हैं इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, तो इम्यून टॉलरेंस क्या है? एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने एंटीजन को किल नहीं करता है, आउटर एंटीजन को ही किल करता है। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी जिसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही एंटीजन को किल करने लग जाए, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन एंटीजन। ठीक है, पहले वो आउटर एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा था, लेकिन अब हमारा इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज होके वो किसी भी वे में कंफ्यूज हो सकता है, तो वो अपने ओन एंटीजन के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इससे जो डिसीज़ प्रोड्यूस होगी उसे ही हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ये एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन देता है अपने ओन एंटीजन के अगेंस्ट। अब ये ऑटो इम्यूनिटी डिसीज रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रोटीन सेल्स एंड ऑर्गन बाय ऑटो एंटीबॉडीज। अब हमारे जो एंटीजन हैं उनके अगेंस्ट हैं, वहाँ पे हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं, जिससे वहाँ पे आपकी प्रोटीन्स है, एक इंडिविजन की सेल प्रोटीन सेल्स है, ऑर्गन से वो डिस्ट्रिक यानी कि वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो सकती है, यहाँ पर उसे क्षतिग्रस्त किया जा सकता है आपकी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स के द्वारा। तो ये इस सभी से जो जनरेट होगा उसे बोलते हैं आप ऑटो इम्यूनिटी डिसीज। इसकी रीज़न देखते हैं तो फोर फैक्टर कैन इंड्यूस इट। इट कैन बी जेनेटिक, इट कैन बी वायरल रीज़न, इट कैन बी हार्मोनल रीज़न। फोर्थ रीज़न इज इट कैन बी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल रीज़न। तो चार फैक्टर हैं जो इसे इंड्यूस कर सकते हैं, वो जेनेटिक रीज़न हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मोनल रीजन हो सकता है, या फिर वो न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकता है। कैटेगरी देखें हम इनकी स्प्रेडिंग वे में, बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ कहाँ पे स्प्रेड होती है, तो वो किसी ऑर्गन स्पेसिफिक में हो सकती है, यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में ही हो, या फिर वो एक सिस्टम में हो सकती है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक पूरे सिस्टम में अगर ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ स्प्रेड हो रही है तो उसे सिस्टमेटिक ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ बोलेंगे, या फिर ऑर्गन स्पेसिफिक भी हो सकती है। अगर बल्क ऑफ डैमेज देते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़, तो उसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टी सेल्स वर्सेज एंटीबॉडीज, यानी कि अगर एंटीबॉडी बल्क डैमेज दे रही है या फिर वो टी सेल्स के द्वारा डैमेज दी जा रही है। मोस्ट ऑटोइम्यून डिसीज आर पॉलीजेनिक, यानी कि इस डिसीज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं मोर देन वन जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, एंड इट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल इनहेरिट मल्टीपल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये इनहेरिट किया गया है किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा, उसके पॉलीमॉर्फिज्म जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है उसे भी वहाँ पे इसे अल्टर कर सकती है, जिससे उसकी डिसीज़ सस्पेक्टेबिलिटी यानी कि डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? तो एक जीन को पॉलीमॉर्फिज्म तब कहेंगे जब उसके लोकस पे, स्पेसिफिक लोकस पे मोर देन वन एलील परसेंट हो, और उनके द्वारा किसी पॉपुलेशन में करेक्ट जो शो हो रहे हों, वो 1% रेट पे सभी का कंट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। तो आई विल अगेन रिपीट, एक जीन पॉलीमॉर्फिज तब होगा उसके एक स्पेसिफिक लोकस पर मोर देन वन एलील प्रेजेंट हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन है हम अपने करेक्टर को शो करने का 1% तो है ही सभी में, मोर देन 1% तो होगा ही सभी में। ठीक है, तो इससे डिजीज सस्पेक्टेबिलिटी है उस इंडिविजुअल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। वायरल और माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो इस डिजीज़ की चांसेस को इंक्रीज कर देता है, या तो वो एक टिश्यू या फिर जहाँ पे वो डिजीज़ हो रही है वहाँ पे कुछ स्टिमुलेंट्स छोड़ सकता है, जिससे उसके बार बार
डोमिनेंट वे में आने पे वो डिसीज एक्सप्रेस हो सकती है। साथ में ही माइक्रोबियल एंटीजन और सेल्फ एंटीजन के पास बार बार क्रॉस रिएक्शन से भी ये डिसीज़ की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल हैं ऑटोइम्यून डिसीज़ के, जैसे ग्रीव डिसीज़ है जिसमें थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं, रूमेटॉइड डिसीज़ है जिसमें साइनोवियल एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसमें माइलिन बेसिक प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है जिसमें बीटा सेल पैनक्रियाटिक बीटा सेल एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगते हैं। ये सेल्फ एंटीजन है ठीक है, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे बॉडी में। माइस्थोनिया ग्रेविस है जिसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं। साथ में हाशिमोटोथायराइड है और सेलिक डिसीज है, तो कई सारी ऑटोइम्यून डिसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एंटीजन हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे और उस ये सामने वाली डिसीज ये ऑटोइम्यून डिसीज का नेम है। तो ये एक बेसिक इंट्रो है बहुत ही शॉर्ट वे में इम्यून टॉलरेंस, जिसमें हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सकता है खुद के एंटीजन को और ओनली किल करता है आउटर एंटीजन को। अगर ये सिस्टम वहाँ पे बिगड़ जाए तो वहाँ पे हमारा जो प्रोटेक्शन है वो अपनी एंटीजन के अगेंस्ट होने लग जाता है, तो उस करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं ऑटोइम्यूनिटी, और इससे जो डिसीज वहाँ पे क्रिएट होगी उसे ऑटोइम्यून डिसीज कहेंगे। अब इसके रीजंस हो सकते हैं जेनेटिक हो सकता है, वायरल, हार्मोनल या फिर वो न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल रीजन से वो क्रिएट हो सकती है, किसी ऑर्गन स्पेसिफिक में हो सकता है या फिर किसी एक सिस्टम में हो सकता है। बल्क ऑफ डैमेज है वो एंटीबॉडी के द्वारा दी जा सकती है या फिर टी सेल्स के द्वारा दी जा सकती है। मोस्ट ऑटोइम्यून डिसीज आर पॉलीजेनिक, यानी मोर देन वन जीन ये कंट्रोल करते हैं और इंडिविजुअल्स के जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को ये अल्टर कर देते हैं, जिससे उसकी डिसीज सस्पेक्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वायरल और माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है वो भी डिसीज होने के चांसेस को इंक्रीज करता है, क्योंकि यह बार बार सेल्फ एंटीजन का क्रॉस होता है उससे आपके आउटर एंटीजन से, तो कहीं ना कहीं उसमें अल्टर होने से आपका इम्यून सिस्टम है उसे डिफ्रेंशिएट करना बंद कर सकता है, तो अपने ही एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर सकता है। साथ में कुछ स्टिमुलेटर्स होते हैं आउटर एंटीजन्स के द्वारा जो टिश्यू में धीरे धीरे इंक्रीज होने पे डोमिनेंट वे में आने पे एक साथ ऑटोइम्यून डिसीज के रूप में शो होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं जिसमें सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।